हेलो एवरी इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व गुजकेट ट्वेंटी इलेवन क्वेश्चन पेपर्स ओके तो सबसे पहले हम जो सॉल्व करने वाले हैं एक क्वेश्चन पेपर इसमें होलो मेटल फेयर ऑफ अ रेडियस टेन सेंटीमीटर इज अ चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस बिकम्स एटी वॉल्ट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर What is given to टू special case? The potential at the center of the sphere. हमको सेंटर hmm. पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो आपको ऑलवेज एक यहाँ पे टिप याद रखनी है कि जब भी हमको पोटेंशियल पूछते हैं और वो भी मतलब सेंटर में पूछते हैं तो हमको इक्की पोटेंशियल सर्विस की याद आनी चाहिए राइट तो मैं यहाँ पे एक केस कंसिडर करता हूँ समथिंग लाइक दिस कि मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा केस है राइट और इसके अंदर मेरे पास बहुत सारा चार्ज है राइट चार्ज है इन शॉर्ट तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे चार्ज को ऐड कर रहा हूँ तो चार्ज को ऐड करूँगा प्लस क्यूँ मान लो को यहाँ पे भी ऐड किया प्लस क्यू हर जगह पे प्लस क्यूँ और ये हमारा होगा सेंटर राइट तो सेंटर से जो हमारा ए डिस्टेंस होगा उसकी एक रेडियस होगी तो आपको याद रखना है कि ए जो आपको पॉइंट सेंटर बताया उसके हमको वी फाइंड करना है क्या फाइंड करना है वट वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड ईयर वी तो जब भी वी फाइंड करना होता है दोस्तों तो यहां पे याद रखना है कि आपने पढ़ा होगा v इज इक्वल टू हर जगह पे v, v ले लो वी इक्वल टू के कॉन्स्टेंट देन v इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट राइट इक्वी पोटेंशियल सर्फिस के अंदर तो आपको सिंपल याद रखना है कि हमको सेंटर में पूछा है तो ऑलवेज यहां पे जो आंसर आएगा वो आपका कॉन्स्टेंट आएगा क्या आएगा भाई कॉन्स्टेंट तो हमको यहां पे इन दिस केस v 80 गिवन है 80 वोल्ट तो कॉन्स्टेंट रहेगा मतलब आंसर भी कौन सा आएगा 80 वोल्ट ही आएगा तो हम ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे आंसर जो देख लेते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए 80 वोल्ट ही आना चाहिए और राइट right? तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 80 वोल्ट फर्स्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे देन सेकंड की हम बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है चार्ज फाइव माइक्रोकुलम एंड टेन माइक्रोकुलम आर प्लेस इन अ वन मीटर अ पार्ट वर्क डन टू अ ब्रिंग दिस चार्ज एट अ डिस्टेंस जीरो पॉइंट फाइव मीटर फ्रॉम इच सेंटर अदर इज ओके तो हमको यहाँ पे जो फाइन करना है वो यू फाइन करना है कैसे यू वर्क डन वर्क डन का अपने वर्क एनर्जी थी हमारे ऑलरेडी परा है और राइट सो उसका यहाँ पे जो हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं के यू टू माइनस यू वन ओके okay. तो यू टू की वैल्यू क्या है दोस्तों यू टू जो रहेगा हमारा के क्यू वन क्यू टू ये फॉर्मूला है कौन सा मतलब पोटेंशियल का फॉर्मूला रहता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यू इज इक्वल टू क्यू वी रहता है राइट right? तो क्यू वी से ये फार्मूला निकल के आता है और नीचे रहेगा बिकॉज ऑफ पोटेंशियल है पोटेंशियल एनर्जी है तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है यहाँ पे हमको लिखना है यू टू है टू के लिए होगा हमारे पास आर टू माइनस ये होगा के क्यू वन क्यू टू और यहाँ पे जो होगा वो आर वन होगा तो जो कॉमन बचेगा वो ले लेना है यहाँ पे कॉमन क्या आएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर सॉरी K Q1 और Q2 टू राइट तो ब्रैकेट में आएगा वन अपॉन आर टू आर टू माइनस वन अपॉन माइनस वन अपॉन आर वन आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो रहेगा हमारे पास जो टर्म रहेगी ये आएगी हमारे पास आर आर टू और ये आएगा हमारे पास आर वन राइट तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास वैल्यू है कौन सी के की वैल्यू कितनी होती है नाइन इंटू टेन टू पावर नाइन क्यू वन की वैल्यू मुझे गिवन है फाइव इंटू टेन टू पावर सिक्स क्योंकि माइक्रो है क्यू टू की वैल्यू भी गिवन है टेन टेन इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स और ब्रैकेट के अंदर हमको वैल्यू गिवन है किसकी वैल्यू है आर वन तो आर वन यहाँ पे हमको गिवन है एक वन और आर टू कितना है पॉइंट फाइव तो हम लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट फाइव माइनस वन वन और यहाँ पे जो टर्म थी वो कुछ ऐसे थे के क्यू वन क्यू टू राइट तो के की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन क्यू वन कितना है क्यू वन रहेगा फाइव कूलम और क्यू टू रहेगा टेन कूलम तो इसका माइक्रो मतलब माइनस सिक्स इसका माइक्रो माइनस सिक्स तो टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व राइट तो ये अगर आप कैलकुलेशन करोगे जीरो पॉइंट फाइव क्या होता है वन बाई टू तो ऊपर जाएगा तो टू बाई वन हो जाएगा तो इसका आंसर भी मे बी वन आएगा तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा तो ये आपको याद रखना है और राइट तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको वर्क का जो है ना फॉर्मूला है यू टू माइनस यू वन लेना है ओके और यू क्या है क्यू वी है क्यू वी क्या होता है दोस्तों क्यू वी क्यू एज इट इज वी की वैल्यू क्या होती है के क्यू बाय आर ठीक है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की जब भी हम बात करते हैं कि द यूनिट ऑफ फिजिक्स द हाँ थर्ड क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन होगा द यूनिट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑप्टेन बाय द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज देखो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमको बोला है लाइन इंटीग्रेशन तो लाइन इंटीग्रल मतलब ऐसे कुछ होगा ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा और लाइन की बात की गई है दैट मीन्स डी एक्स होगा डी आर होगा राइट right? तो ये किसका फॉर्मूला है ए फॉर्मूला है वी का यहाँ पे नेगेटिव आता है ठीक है वी पोटेंशियल तो ये वी क्या है पोटेंशियल पोटेंशियल क्या होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू चार्ज वर्क अपॉन चार्ज राइट तो वर्क पर चार्ज होगा तो ये होता है इसका यूनिट होता है जूल पर कूलम तो आपका आंसर आना चाहिए जूल पर याद रखो अगर आपको सरफेस पूछा है तो क्या आंसर आएगा याद रखना है यहाँ पे ये तो हमको लाइन इंटीग्रेशन पूछा लेकिन सरफेस अगर उगा उगा तो ये होगा e और dx की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों dx की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे डी ए एरिया राइट तो ये टर्म कौन से हो जाएगी e इन टू ए ये क्या होता है फ्लक्स देगा तो आपको यहाँ पे टर्म का टर्म याद रहनी बहुत जरूरी है दोस्तों राइट तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा जूल पर कुलम आएगा क्यों आएगा वो आपको मैंने बता दिया इसका एक सिंपल मेथड है ठीक है नेक्स्ट फोर्थ नंबर की हम बात करते हैं कि देर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन न्यूट्रॉन पर कुलम अलोंग वाई डायरेक्शन ठीक है वाई डायरेक्शन मतलब जे है ओके आई कैरेट जे कैरेट के कैरेट जो होता है द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर ऑफ द वन मीटर प्लेस इन एक्स वाई प्लेन इन साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर याद रखना है दोस्तों सबसे पहले अगर एक्स वाई यहाँ पे गिवन है एक्स वाई गिवन है तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन कुछ ऐसे होगा फाई इज इक्वल टू ई ए थीटा, राइट right? तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे हमको जो गिवन है एक्स एंड वाई प्लेन तो एक्स एंड वाई तो एक्स एंड वाई में क्या होता है एक्स मतलब होगा ये आई कैरेट वाई मतलब होगा ये जे कैरेट ठीक है ये होगा आई कैरेट और ये होगा जे कैरेट तो मैं क्या करूँगा ई e की वैल्यू मान लो कि के जे कैरेट लेता हूँ और ए की वैल्यू मान लो कि आई कैरेट ले लेता हूँ और यहाँ पे हो जाएगा थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे नाइनटी बनेगा क्यों कि क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो नाइनटी तो कॉस्ट नाइनटी क्या होता है जीरो तो जीरो तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी मतलब फ्लक्स जो हो रहेगा वो जीरो हो जाएगा तो आपका जो यहाँ पे आंसर आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए जीरो आना चाहिए और ठीक है तो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फाइ चार जीवन है क्यू वन और क्यू टू अलग अलग मास उसका जीवन है और यहाँ पे बताया गया है क्या बताया गया है? याद रखना है कि सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर द ऑर्बिटल पीरियडिक टाइम बहुत इजी है सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला का खेल है कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो सॉल्व करने के लिए एकदम निंजा टेक्निक है कौन सी टेक्निक सिंपल सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा विच फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है एफ सी इज इक्वल टू कुलम फोर्स क्या होता है यहाँ पे कुलम फोर्स रहेगा एफ ई ले लो एफ सी क्या होता है यहाँ पे एम स्क्वेर बाय आर और ऐ क्या होता है सिंपल कुलम फोर्स के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेर तो यहाँ पे एक आर आर कैंसल हो जाएगा क्या बाकी बचेगा यहाँ पे सिंपल एम वी स्क्वेर इज इक्वल टू के क्यू वन एंड क्यू टू राइट और डिवाइडेड में क्या बचेगा यहाँ पे आर तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ मुझे फाइंड करना है यहाँ पे टी तो टी कैसे फाइंड करेंगे टाइम पीरियड फाइन करना है ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ सिंपल यहाँ पे यहाँ पे काम करूँगा मैं सिंपल कि मेरे पास जो बचा है एम वी क्या होता है वेलोसिटी तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू पाई बाय टी ठीक है इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या था के क्यू वन क्यू टू बाय आर ठीक है तो यहाँ पे लिखूंगा एम दो का स्क्वायर फोर पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर और टी का स्क्वायर यहाँ पर नीचे टी स्क्वेयर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर क्या फाइंड करना है टी स्क्वेयर तो ये टर्म कहाँ जाएगी सामने ये टर्म कहाँ आएगी यहाँ पे सामने और ये टर्म कहाँ आएगी नीचे आएगी तो हमको यहाँ पे टी स्क्वायेयर मिलेगा जब टी स्क्वायेयर मिलता है हमको टी फाइंड करना है तो अंदर रूट में चला जाएगा अरे ठीक है आपको समझ में आ गया ओके तो इसको ऐसे सिंपल वे में सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या था दोस्तों हमारे पास एक टर्म थी कौन सी टर्म एम ठीक है फोर पाई स्क्वायर के क्यू वन और यहाँ पे जाएगा r इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे टी स्क्वायर फाइंड करना है तो t फाइंड करना है तो ये किस में आ जाएगा अगर t फाइंड करना है तो ये पूरी टर्म रूट में आ जाएगी ठीक है तो ये हमको मिल जाएगा t तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं ओके okay, तो हमारे एक क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ही इजी मेथड है ये आई थिंक सो तो अब नेक्स्ट आपको जो सॉल्व करना है कुछ ऐसे सॉल्व करना है देखो बहुत सिंपल है थियरी बेस्ड क्वेश्चन है सिक्स द गॉसियन सर्फेस ऑफ अ कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन याद रखो गॉस गौसलॉ कब कब अप्लाई होता है तो गॉस गौसलॉ की जो कंडीशन है सबसे पहले ये है कि आपको क्लोज लूप होना चाहिए ठीक है तो अगर यहाँ पे क्लोज लूप है तो वो ऑप्शन आएगा सेकंड पॉइंट ये है कि हर जगह पे सिमेट्री होनी चाहिए सिमेट्री इन द सेंस कि आपको पता ही है कि आप स्पियर ले लो ठीक है उसका एक सेंटर ले लो सेंटर ले लो इन द सेंस यहाँ पे एक सेंटर ले लो तो हर जगह पर आपका जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा सेम रहेगा ठीक है तो डिस्टेंस सेम रहता है दैट मीन्स सिमेट्री हर जगह पे क्या है कि डिस्टेंस सेम रहेगा ना तो वो सीमेट्रिक मतलब यहाँ पे मेजर करेगा जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा एक भी पोटेंशियल सर्फेस वाला पोटेंशियल सेम है हर जगह पर यहाँ पर भी रेडियस सेम हाँ है तो ऐसे ही यहाँ पर कंसेप्ट होगा ठीक है दूसरा भी केस ले सकते हैं हम ठीक है जैसे कि सिलेंड्रिकल केस ले सकते हैं उसमें भी तो सीमेट्रिक पॉइंट जहाँ पे आए तो वो आपको यहाँ पे आंसर होगा तो आई थिंक सो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा वो सी होगा असीमेट्रिकल क्लोज सरफेस मैंने बोला आपको कि दो कंडीशन यहाँ पे याद रखनी है कौन सी कौन सी फर्स्ट ऑफ ऑल के आपका क्लोज सर्फिस होनी चाहिए साथ साथ में सिमेट्रिकल होनी चाहिए ठीक है सेवन क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे टू सेंड टेन परसेंट ऑफ मैन करंट थ्रू अ मूविंग कॉल गैलोमीटर ऑफ अ रेजिस्टेंस नाइनटी नाइन ओ एम रिक्वायर्ड इज तो यहाँ पे शंट फाइंड करना है उसका एक सिंपल फॉर्मूला है तो हमको मुझे टेन परसेंट दिया है दैट मीन इसका एक फॉर्मूला है एस फॉर्मूला uh, कुछ ऐसे होगा एस इज इक्वल टू जी एन माइनस वन देखो आपको एक्स यहाँ पे गिवन है जी की वैल्यू नाइनटी नाइन की वन है यानी क्या होगा यानी यहाँ पे कितना गिवन है टेन ठीक है तो यहाँ पे एक्चुअली टेन परसेंट है बट वो एन की वैल्यू हम काउंट करते हैं टेन बाय वन करना है ठीक है तो अगर ट्वेंटी बाय वन करना है थर्टी बाय वन करना है तो टेन माइनस वन तो नाइन्टी नाइन आंसर आएगा नाइन्टी नाइन बाई यहाँ पे होगा नाइन्टी नाइन बाई टेन माइनस वन तो नाइन होगा ठीक है तो ये हो जाएगा अपना इलेवन तो आपका आंसर होना चाहिए इलेवन उम्स ठीक है तो ये आपका फाइनल आंसर होगा ओके आई होप यू गॉट दिस पॉइंट ओके नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है आपको याद रखना है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं दिल दिल गलती कर बैठा जैसा है भाई द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वॉल्ट मीटर इज जब भी हम आइडियल वॉल्ट मीटर की बात करते हैं देखो रेजिस्टेंस पूछा है ऑफ आइडियल ये वर्ड बहुत याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है विच वन आइडियल वर्ल्ट मीटर तो आइडियल वर्ल्ट मीटर में रेजिस्टेंस क्या होता है इन्फाइनाइट होता है तो ये आपको एक टीस याद रखनी है कि वॉल्ट मीटर की जब बात की जाए किसकी बात की जाए वॉल्ट मीटर की तब क्या होगा तो वॉल्ट मीटर के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस और वो भी आइडियल रेजिस्टेंस ऑलवेज इन्फाइनाइट होता है बट अगर गैलनोमीटर की बात की जाए तो वो होता है जीरो ठीक है ये वोल्टेज मेजर करता है और गैलिनोमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है तो ये आपको याद रखना है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट uh, हम जब बात करते हैं तो ये क्वेश्चन रहेगा नाइन क्वेश्चन जो actually, है एक्चुअली वो आउट ऑफ द सिलेबस है एक्चुअली ये जो दो हज़ार ग्यारह का पेपर है ठीक है तो इसके अंदर एक क्वेश्चन रख दिया है जो इलेवेंथ का कल यहाँ पे अप्लाई होता है तो या वैसे भी सिलेबस में आपके नहीं है तो इसको अवॉइड करना है नेक्स्ट टेन क्वेश्चन अगेन वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ए मुझे लगता है ट्वेंटी ट्वेंटी में गुजकेट में ही ये क्वेश्चन आया था और आई एम पिक जैसा क्वेश्चन है द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर वेन कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ अ ई एम एफ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ठीक है तो बैटरी है उसकी प्रॉपर रेजिस्टेंस कैपिटल आर होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहाँ पे की वन है तो मुझे पूछा गया है पावर मे बी पावर तो तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर ठीक है अब हमारे पास वी इज इक्वल टू क्या होगा आई आर होगा इक्वल टू आई आर होगा तो वी की जगह पे मैं ई एम एफ लिख देता हूँ तो ई e और ए अपना आर नीचे आ जाएगा बट ए आर क्या है मैंने बताया ना आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा है क्लियरली मैसेज है कि भाई साहब वैन कनेक्टेड टू अ सेल एन ई एम एफ ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आर जो होगा ना आर ए अपना आर तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पर, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे अगर आपकी बात की जाए तो नीचे जाएगा हमको मुझे फाइंड क्या करना है आई वॉन्ट टू फाइंड आई ठीक है तो ये होगा अपना आर प्लस स्मॉल आर क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और उसका जो ऑरिजिनल रेजिस्टेंस होगा वो भी तो मैं क्या करूँगा याद रखो यहाँ पे जब भी यहाँ पे एक वर्ड गिवन है कौन सा वर्ड है देखो आप ध्यान से मैक्सिमम पावर मैक्सिमम पावर की जब बात की जाए तो आपको एक कंडीशन ऑलवेज रिमेंबर याद रखनी है कौन सी कि मैक्सिमम पावर जो होती है उसकी कंडीशन आर इज इक्वल टू आ आप याद रखनी है कि आर इज इक्वल टू स्मॉल आर ठीक है ये आपको याद ही रखना है राइट आर इज इक्वल टू स्मॉल आर ये किसकी मतलब कंडीशन है मैक्सिमम पावर के लिए जो आर इज इक्वल टू स्मॉल आर होगा मतलब मेन जो रेजिस्टेंस हमारे पास होगा वो कौन किसके बराबर होगा स्मॉल आर के बराबर होता है ठीक है बस तो आप कैलकुलेट मतलब पुट करेंगे सब्सिट्यूट करेंगे पी इज इक्वल टू वट इज द वैल्यू ऑफ आई तो आई की वैल्यू ये रही तो ई e, यहाँ पे आर की जगह पे क्या लिखेंगे आर, तो ठीक है इसका यहाँ पे क्या होगा हो जाएगा, इंटू क्या होगा यहाँ पे आर ओके तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे देखो ई तो था यहाँ पे ई तो ई को हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे तो इसको जो सॉल्व करते हैं कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे दोस्तों P इज इक्वल टू यहाँ पे था स्क्वायर आपने देखा होगा r प्लस आर क्या होगा टू आर ठीक है तो टू आर और इसका क्या था यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे भी अपना था रेजिस्टेंस P इज इक्वल टू आर स्क्वायेर आर ये फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूँ देखो आप ध्यान से देखोगे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फार्मूला ठीक है ओके अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों सिंपल देखो ध्यान से तो स्क्वायर तो यहाँ पे वो जाएगा स्क्वायर दो का स्क्वायर फोर आर का स्क्वायर आर स्क्वायर और ये होगा आर तो एक हो जाएगा कैंसर कैंसल होगा हमारे पास जो आंसर आना चाहिए कौन सा आंसर आना चाहिए तो यहाँ पे स्क्वायर बाय फोर आर ये आपको याद रख दो डायरेक्ट याद रख लेना है याद रखो ठीक है आपको ये डायरेक्ट याद रख लेना है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे मैक्सिमम की जब बात की जाए तो P का जो फॉर्मूला होगा वो स्क्वायर बाय फोर आर होगा ठीक है तो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो वो कैसे सॉल्व करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे समझना है मेरे, मेरे पास रबर है अच्छा वाला रबर है इंटरनेशनल क्लियर पेज कर देता हूँ राइट पे भी भी कर देता हूं ठीक है ओके तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा कुछ ऐसे रहेगा अ मैग्नेटिक वायर ऑफ अ डायपोल अलमेंट फोर मीटर एम्पेर इज अ बैंड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल ओके तो ये टर्म आपको ऑलवेज रिमेंबर रखो याद रखनी है कि द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज तो इसके लिए देखो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है तो उसका फॉर्मूला कौन सा आता है सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला की जब हम बात की जाए तो यहाँ पे होता है क्यू एल बट यहाँ पे आपको एक केस दिया है सेमी सर्कल तो सेमी सर्कल में अगर ऐसा ही कुछ होगा ठीक है तो उसकी रेडियस आर होगी इसकी भी रेडियस आर होगी बट सेमी सर्कल में क्या होता है यहाँ पे आ, रेडियस आर तो ये टोटल पाए होता है सेमी है तो पाए ये जो होगा ना टोटल ये पाए होगा इन टू आर तो इसको मैं बोल देता हूँ एल ठीक है तो आ एक एक फॉर्मूला ये था अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास और दूसरा फॉर्मूला है कौन सा फॉर्मूला है टू आर क्यू क्या होगा टू आर क्यू यही है ओके तो अब मैं क्या करूँगा इसको हम बोलेंगे देंगे एम बोलेंगे इसको बोल देंगे एम डैश बोल देंगे राइट तो टू आर क्यू टू आर क्यू इज इक्वल टू एम डैश तो मैं टू यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ आर आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लूंगा कितनी होगी एल बाय पाई तो यहाँ पे होगा एल बाय पाया ओके और ये अपना होगा क्यू ठीक है लेकिन एल क्यू क्या होता है देखो आप ध्यान से देखो एल क्यू क्या होता है एल क्यू मीन्स एम ये आप देखो यहाँ पे एल क्यू मीन्स क्या होता है यहाँ पे एम तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिखने वाला हूँ टू एम बाय ध्यान से देखोगे नीचे क्या बाकी बचा टू पाए राइट टू पाई बचा ठीक है गलती तो नहीं है देख लेना एक बार ओके okay, सही है अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मुझे यहाँ पे टू है और ये टू पाए है इन टू वाट इज़ एम एम की वैल्यू गिवन है कितनी गिवन है देखो आप ध्यान में ध्यान से देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे वैल्यू है फोर पाए फोर पाए ठीक है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे वैल्यू सब्सटिट्यूट कर दूँगा फोर फोर पाए तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे टू टू आएगा तो यहाँ पे टू इंटू टू फोर आंसर आना चाहिए देखते हैं फोर आंसर आता है हाँ फोर ठीक है तो उसको ऐसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे पहले हम सबसे पहले क्लियर कर देंगे पेज को यहां पे भी क्लियर कर देंगे राइट हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है द मास ऑफ द थ्री वायर्स ऑफ अ कॉपर वायर द रेशियो रेशियो किसका दिया है रेशियो आपको गिवन है यहाँ पे लेंथ का ठीक है तो सबसे पहले फाइव थ्री वन गिवन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल एल इज इक्वल टू फाइव थ्री वन ठीक है दूसरा तो. क्या गिवन है यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो वन थ्री फाइव क्या गिवन है वो वो मास गिवन है ठीक है तो यह भी हमको मास की है तो एम इज इक्वल टू वन थ्री एंड फाइव तो सॉल्व कैसे करते हैं देखो इसको पूरा फार्मूला डिराइव करना होता है बट यहाँ पे मैं फार्मूला डिराइव नहीं कर रहा हूँ अगर आपको करना है तो ऐसे कर सकते हो कि आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ एल से डिवाइड और एल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एल से डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा एल इन टू क्या होगा एल स्क्वायर होगा और मल्टी डिवाइड कर रहा हूँ ए इन एल होगा तो यहाँ पे एल ए एल हो जाएगा तो रो एल स्क्वेयर बाय एल क्या होता है वॉल्यूम होता है ठीक है क्या होता है वॉल्यूम तो वॉल्यूम क्या होता है रो इज़ इक्वल टू डेंसिटी क्या होता है एम बाई वी होता है तो वी की जगह पर हम वैल्यू पुट करके मुझे एक फाइनल स्टेटमेंट मिलेगा कुछ ऐसे कि आर इज इक्वल टू मतलब प्रपोशनल टू एल स्क्वेर बाय एम चलो वैल्यू पुट करते हैं एल की वैल्यू कितनी है तो फर्स्ट में फाइव थ्री वन है यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइव का स्क्वायर ठीक है यहाँ पे एल एल कितना है थ्री का स्क्वायर नाइन फिर यहाँ पे कितना है यहाँ पे फाइव थ्री वन था ना फाइव अब देखो ध्यान से ये फाइव थ्री वन तो अब लास्ट में जो आएगा वो वन आएगा राइट कितना आएगा वन मैं क्या करूँगा वन का स्क्वायर ठीक है डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई एम कितना है एम आपको देखना है यहाँ पे एम जो होगा वो वन थ्री फाइव होगा क्या होगा वन थ्री देन फाइव ओके बस तो इसको ऐसे सॉल्व कर से हैं फाइव का स्क्वायर क्या हो जाएगा फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव हो जाएगा याद रखना है फिर ये क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा ओके ये आप ध्यान से देखोगे तो ये ये थ्री हो जाएगा तो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा थ्री और यहाँ पे आ जाएगा वन बाई फाइव इसको ऐसे सॉल्व करते हैं टू ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव क्या होगा वन ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन और ये तो वन ही रहेगा एल ले लिया तो आपका ये आंसर आना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको रहेगा यहाँ पे सी ऑप्शन रहेगा ठीक है सी ऑप्शन नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन अपने आप में एक बारी करा है इसको सॉल्व करने में बच्चों की बैंड बच जाती है तो देखो एक का इसका एक मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है सबसे पहले हमको यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है क्या चीज़ नोट करनी है कि आपको सर्किट को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना होगा मतलब समझना होगा और राइट तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक रजिस्टेंस थ्री है मैं कैसे जा रहा हूँ ए सी बी समझना है यहाँ मैं जा रहा हूँ ए सी बी फिर जा रहा हूँ ए डी बी तो ए सी बी के अंदर कितने रजिस्टेंस है देर आ टू रजिस्टेंस ए डी बी के अंदर कितने रजिस्टेंस है आर टू रेजिस्टेंस अब कितने बाकी बचे एक ही बाकी बचा और एक ही बाकी बचा तो इक्वी जो रजिस्टेंस होगा वो टू होने वाला है याद रखो जो भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो उसके अंदर मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ बहुत सारी उसकी मेथड है बट मैं आपको शॉर्ट टिप बता रहा हूँ ऐसे जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है तो आपको यहाँ पे पैरल का ही फार्मूला यूज़ करना है आंसर हंड्रेड परसेंट आ जाएगा ठीक है तो आपको याद रखना है कि ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के अंदर मैंने आपको बता दिया इक्विवैलें क्या होता है वो टू रेजिस्टेंस है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर फार्मूला पुट करूँगा फार्मूला कुछ ऐसा होगा मैंने बताया आपको के मतलब पैरेलल का फॉर्मूला आएगा किसका फॉर्मूला आएगा पैर ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के अंदर पैरेलल का फॉर्मूला आता है और राइट तो मैं क्या करूँगा वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू मतलब ऐसे ले लेते हैं कैपिटल कैपिटल ले लेते ले हैं क्या फ़र्क पड़ता है ठीक है यहाँ पे हो जाएगा अपना आर वन और ये होगा अपना आर ठीक है तो आर तो वन अपॉन आर इज इक्वल टू देखो आप ध्यान से देखोगे आर वन की वैल्यू थ्री है प्लस इसकी भी वैल्यू कितनी है थ्री है सबकी वैल्यू थ्री है वन प्लस वन क्या होगा टू बाय थ्री फाइन क्या करना है आर फाइन करना है आर फाइन करना है तो आर फाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो वन अपॉन वन अपॉन आर इज इक्वल टू टू बाई क्या होगा थ्री होगा तो मुझे आर फाइन करना है तो क्या हो जाएगा थ्री बाई टू थ्री बाई टू क्या होता है वन पॉइंट फाइव तो आपका जो आंसर आएगा वो वन पॉइंट फाइव आना चाहिए डी ऑप्शन ठीक है अब बात करते हैं फोर्टीन क्वेश्चन जब हम फोर्टीन क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट बार मैग्नेट तो बार मैग्नेट तो चैप्टर नंबर फाइव में जो सेकंड की थर्ड थियरी है इसके अंदर हमको हमको देखो ट्वेल्व लेंथ भी गिवन है ए ए यहाँ पे याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है टूवेल्व ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट इज गिवन बाई फॉर्मूला तो देखो ये फॉर्मूला का खेल है सिंपल एक फॉर्मूला है तो इसका आंसर आता है बी क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला ही पुट किया है वो, वो मतलब पुट करना है हमको फार्मूला ही पुट मतलब फाइंड करना है यहाँ पे बार मैग्नेट के लिए तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पे बी नेक्स्ट फिफ्टीन क्वेश्चन की बात की जाए फिफ्टीन क्वेश्चन जो रहेगा वो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाया मैग्नेटिक मटीरियल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्शन देखो डा मैग्नेटिक मटीरियल की जब बात की जाए तो यहाँ पे हमको सिंपल याद रखना है कि आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है ऐसी इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी होती है ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसी होगी दोस्तों तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कुछ ऐसे होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे जा रही है कुछ ऐसे जा रही है कुछ ऐसे जा, जा रही है और कुछ ऐसे जा रही है राइट अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सिंपल यहाँ पे मैग्नेट पुट कर रहा हूँ बार मैग्नेट तो यहाँ पे होगा अपना बार मैग्नेट तो आपको वो भी पता है कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है ठीक है तो डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि फ्रॉम एन टू एस नॉर्थ टू साउथ तो ये भी हमारे पास बार मैग्नेट है तो ये बार मैग्नेट क्या होगा एन टू एस तो याद रखो यहाँ पे क्या होता है अब ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो एन एन क्या होगा रिपल्जन एस एस क्या होगा रिपल्जन लेकिन ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगी मतलब स्ट्रॉग मैग्नेटिक फील्ड तो सीधी बात है जहाँ पे भी क्राउड होना चाहिए जहाँ पे भी मतलब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है कम जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है मान लो कि ऐसे यहाँ पे बहुत सारी एरिया इतना कवर कर रहा है और इत, एरिया इतना कवर कर रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी ठीक है मतलब डिमांड सप्लाई का खेल है यहाँ पे तो रिमेंबर दिस के यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे यहाँ पे इन दिस एरिया में ये जगह पर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्ट्रांग होगी और इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी वीक होगी ठीक है मतलब वीक होगी तो हम ऐसा कह सकते हैं कि देखो वो जाएगी एस टू एन क्यों यहाँ पे तो हमको याद रखना है फ्रॉम स्ट्रोंग टू यहाँ पे हो जाएगा वीक उसकी डायरेक्शन एस टू एन होगी लेकिन इस साइड से स्ट्रॉग टू वीक ठीक है तो हमको इसको ऐसे सॉल्व करना है तो ये ऑप्शन देख लेते हैं एक बार तो ऑप्शन के अंदर कुछ ऐसा आता है यहाँ पे देखो फ्रॉम फिफ्टीन यहाँ पे फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ठीक है तो उसको ऐसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो क्वेश्चन रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ़ अ टेन माइक्रोवेबर इज लिंक विद अ करंट टू मिली एमपियर फ्लो थ्रू इट वॉट इज द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा यहां पे सिंपल फॉर्मूला कौन सा रहेगा इन द सेंस के यहाँ पे यहाँ पे जो रहेगा ओके okay, तो एन फाइ इज इक्वल टू एल आई यहाँ पे एन तो मुझे गिवन नहीं है तो मैं इसको निकलेक्ट कर देता हूँ एल फाइन करना है यहाँ पे हो जाएगा फाइव बाय आई वॉट इज़ वैल्यू ऑफ़ फाइव तो फाइव की वैल्यू फ्लक्स है तो फ्लक्स यहाँ पे हमको जो गिवन रहता है वो कितना है यहाँ पे ध्यान से देखोगे यहाँ पे टेन माइक्रो है ठीक है टेन माइक्रो तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा यहाँ पर टेन माइक्रो है ठीक है तो टेन माइक्रो के लिए ए रहेगा अपना टेन इंटू टेन टू माइनस सिक्स और करंट है मे बी टू है टू मिली है मिली मतलब टेन टू पावर माइनस थ्री कैंसल कैंसल तो फाइव हो जाएगा तो फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री टेन टू पावर माइनस थ्री ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा ठीक है उसको ऐसे सॉल्व करते हैं आपका आंसर आ गया हाप यू गॉट दिस पॉइंट नेक्स्ट जब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा अपना hmm. वट इज द नेक्स्ट मत ऑफ सेवन टेन की मैं बात कर रहा हूँ वट इज़ द सेल्फ इंडक्टन्स ऑफ द सोलिनॉइट यहाँ पे देखो सेल्फ इंडक्टन्स वर्ड यूज किया है तो जब भी सेल्फ इंडक्टन्स या मिश्रल इंडक्टन्स की बात की तो यहाँ पे एक अलग अलग फार्मूला रहेगा सोलिनॉइड की बात करें तो बी इज इक्वल टू मुन्नी आता है बट यहाँ पर चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ अ यहाँ पे सेल्फ इंडक्टन्स तो मुझे जो वैल्यू की वर् है वो मैं बाद में रखता हूँ पहले मेरे पास एक फॉर्मूला रहेगा फॉर्मूला क्या रहेगा सिंपल तो फॉर्मूला कुछ ऐसे रहेगा कि मुझे फाइनल करना है मैग्नेटिक फील्ड फाइल करनी है तो बी बी इज इक्वल टू म्यूनोट एन स्क्वेयर ए बाय एल बस ये सब कुछ वैल्यू गिवन है म्यूनोट कितना होता है म्यूनोट होता है फोर पा इंट टेन टू दावर माइनस सेवन एन की वैल्यू गिवन है ए बी एरिया भी गिवन है एल भी गिवन है तो एक आपको आंसर मिल जाएगा तो इसको आप इजीलिए फाइंड कर सकते हैं पूरा थोड़ा ही कैलकुलेट ही कैलकुलेशन ही करना है ओके तो नेक्स्ट एटीन की बात करते हैं एटीन क्वेश्चन क्या रहेगा वट शुड भी द वैल्यू ऑफ द सेल्फ इंडक्ट ऑफ एन इंडक्टर दैट शुड बी कनेक्टेड टू अ टू ट्वेंटी वॉल्ट और फ्रिक्वेंसी की वन है तो सप्लाई सो दैट द मिनिमम करंट ऑफ जीरो पॉइंट नाइन अ फ्लो थ्रू इट तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते ये अपने आप में बड़ी कला है कैसे तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल कुछ करना वैसे नहीं है करना तो बहुत कुछ है बट आपको मैं जो समझा रहा हूँ वो कुछ ऐसे है समथिंग लाइक दिस के आपको इसको कैसे सॉल्व करना है राइट right? तो सबसे पहले हमारे पास वीजिक्वल टू आई आर होता है क्या होता है वीज इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर तो मैं क्या कर रहा हूँ वी की जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ वी एम आई एज आर की जगह पे मैं लिख देता हूँ आई एम ठीक है वो होगा आर आर क्या होता है रेजिस्टेंस बट चैप्टर नंबर सीवन में यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है मतलब आर क्या होता है आर इज़ अ रेजिस्टेंस बट यहाँ पे इम्पीडेंस होगा तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा जेड ठीक है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वी एम बाई आई एम इज इक्वल टू क्या होगा अपना आई ठीक है आई मिल रहा है बट वी क्या होता है वी क्या होता है वो अपने वी को आपको पता होगा वी क्या होता है तो वी आर एम एस ये होता है वी आर एम एस इज इक्वल टू आई एम बाई रूट टू तो इसको मैं साइड पे लिखता हूँ यहाँ पे कि वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई रूट टू तो सामने जाएगा तो हो जाएगा रूट टू वी आर एम एस और ये हो जाएगा वी एम ठीक है तो बस ये वैल्यू पुट कर देनी है क्या पुट करनी है यहाँ पे रूट वी आर एम एस रूट टू बाई आई एम ठीक है root root अब हमको क्या करना है सिंपल यहाँ पे अरे तो तो सॉरी 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 यहाँ पे जाएगा अपनी गलती हो रही है गलती इन द सेंस कि मुझे यहाँ पे करंट फाइंड करना है राइट तो करंट फाइंड करना है तो आर जो है आर आर क्या है यहाँ पे जेड जेड तो जेड यहाँ पे नीचे आएगा ठीक है तो जेड यहाँ पे क्या आएगा बच्चों नीचे आएगा तो जेड क्या होता है जेड यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इंडक्टन्स वर्ड यूज किया है मे बी यस तो यहाँ पे आपको देख लेना है 18 में देखो 18 में ध्यान से सेल्फ तो आपको क्या करना है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे एक्स और ये होगा अपना एल क्या लिखना है एक्स एल तो आई की हमको फाइंड क्या करना है यहाँ पे सिंपल होगा आई इज इक्वल टू वी आर एम एस वी आर एम एस की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी कितनी है तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये होगा टू ट्वेंटी ठीक है टू ट्वेंटी तो ये होगा अपना टू ट्वेंटी वॉल्ट इन टू रूट टू डिवाइडेड बाय ये क्या होगा टू पाई एफ एल तो फाइंड क्या करना है एल आपको फाइंड करना है क्या फाइंड करना है बच्चों एल फाइंड करना है तो एल कहाँ जाएगा सामने जाएगा आय कहाँ जाएगा नीचे जाएगा बस वैल्यू पुट कर देनी है तो टू ट्वेंटी इंटू रूट टू रूट टू क्या होता है? फोर वन पता है एफ कितना है फिफ्टी वर्ड्स है और एल फाइन करना है तो सामने जाएगा आई कितना की वन है आपको जीरो पॉइंट नाइन तो आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है इसको ऐसे सॉल्व करते हैं अब आप हम नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट विल बी नाइनटीन यहाँ पे क्या होगा द पिक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिव करेंट फाइव एम्पियर फाइव एम्पियर एंड इज फ्रीकवेंसी सिक्सटी अर्ज एंड फाइंड द इट्स आर एम एस वैल्यू तो आपको तो क्या करना है आई आर एम एस आई एम बाई रूट टू फॉर्मूला यूज़ करना है आई एम बाई रूट टू तो आई एम यहाँ पे कितना है देखो ध्यान से देखो मैं नाइनटीन की बात कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पे फाइव की वन है ओके तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा सिंपल फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास सिंपल फार्मूला यहाँ पे ये यह है कि आई एम रूट टू तो आई एम कितना है अपना आई एम कितना देखा हमने फाइव देखा शायद वाह फाई था देख लेना देख लेता हूँ मैं एक बार फिर से फाइव hmm. फाये भाई यहाँ पे रूट टू तो हमको एक टॉम मिल जाएगी बट सेकंड किस्ट भी शायद यहाँ पे फाइंड करना है वो कुछ ऐसा है फाइंड फाइंड इट्स आर एम एस वैल्यू एंड टाइम टेकन टू रीच द पिक वैल्यू ऑफ अ करंट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो ठीक है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखो कैसे ओके okay, तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं हमारे पास फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ओके बट यहाँ पे हमको एक वर्ड लिखा है कौन सा वर्ड देखो आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द आर एम एस वैल्यू एंड टाइम टेकन टू रीच द पिक वैल्यू ऑफ अ करंट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो स्टार्टिंग मतलब इनिशियल ठीक है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपल आई की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ आई नॉट क्या लिखूंगा मैं आई नॉट आई uh, नॉट लिखूंगा ओके okay. तो मैं लिखूंगा आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी तो आई नॉट आई नॉट क्या हो जाएगा कैंसल तो वन इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा साइन ओमेगा टी ओके तो ओमेगा साइन की वैल्यू वन कब आती है साइन की वैल्यू वन कब आती है जब पाई बाई टू हो राइट पाई बाई टू हो तो ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई टू नाइनटी हो ठीक है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सिंपल uh, यहाँ पे कैलकुलेशन है तो क्या होगा ओमेगा ओमेगा टी इज़ इक्वल टू पाए बाय टू आई थिंक टाइम फाइंड करना है तो पाए और ये टू होगा और ओमेगा नीचे जाएगा तो ओमेगा क्या होता है टू पाई एफ़ तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा देखो एकदम सिंपल है पाई पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा टू इंटू टू फोर हो जाएगा एफ़ कितना है एफ मतलब फ्रीक्वेंसी वो तो फिफ्टी अर्जी रहेगी ठीक है तो फिफ्टी ईयर्स नहीं सॉरी सिक्सटी ईयर्स की वन है तो आपको सिक्सटी अगर फिफ्टी है तो फिफ्टी लिखना है बट यहाँ पे सिक्सटी है तो आपको सिक्सटी लिखना है तो फोर इंटू सिक्सटी तो आपका एक पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा तो उसको ऐसे सॉल्व करते हैं राइट अब हम बात करते हैं कि ट्वेंटी क्वेश्चन रहेगा अबार मैग्नेट इज़ अ प्लेस इन द पोजिशन ऑफ द स्टेटल इक्विटम इन यूनिफॉर्म फॉम तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना है एम बी कॉस्टा वाला फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पे एम बी कॉस्टा वाला फार्मूला यूज करना है ठीक है तो क्या होगा कैसे पहले भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अगेन मुझे फाइन करना है इफ़ इट इज अ रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ वन एटी सबसे पहले हमारे पास जीरो एंगल होगा यहाँ पे उसको अगर रोटेट किया तो वन एटी हो जाएगा तो एम बी कॉस्टा कॉस्टिटा वन माइनस एम बी कॉस्टिटा टू तो एम एम बी कॉस्टिटा वन माइनस एम बी कॉस्टिटा टू तो एम बी कॉमन हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो मतलब एम एम बी यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा वन यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा टू ठीक है तो एम बी एज इट इज रहेगा कॉस थीटा पहले तो जीरो है, है तो कॉस जीरो रहेगा माइनस यहाँ पे होगा कॉस वन एटी क्योंकि वन एटी रोटेट करना है तो कॉस एटी वन एटी क्या होता है माइनस वन कॉस जीरो क्या होता है वन होता है तो यहाँ पे हो जाएगा एम बी कॉस वन यहाँ पे वन होगा माइनस एक कितना होगा माइनस वन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन तो वन प्लस वन तो यहाँ पे होगा टू एम बी आपका आंसर आना चाहिए ठीक है तो ये आपका आंसर आना चाहिए टू एम बी तो वो आप ऑप्शन रहेगा बी देखो इक्वीस ट्वेंटी वन वो भी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज़ वन पॉइंट फाइव तो आपको एक कैन गिवन है ठीक है और उसके साथ साथ डेल्टा एम डाइविशन एंगल जो है वो डेल्टा एम की वैल्यू गिवन है यहाँ पे व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ द गिवन प्रिज्म बहुत मस्त क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है अब उसको कैसे सॉल्व करना है तो मैं आपको बताता हूँ हमारे पास एक प्रिज्म का फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का एन एन इज इक्वल टू साइन यहाँ पे होगा ए प्लस ए प्लस डेल्टा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अब ध्यान से देखोगे तो एन की वैल्यू की वन है कितनी है वन पॉइंट फाइव तो यहाँ पे लिखेंगे थ्री बाई टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू ये होगा अपना साइन ठीक है साइन ए एज इट इज़ डेल्टा की जगह पे यहाँ पे हम लिखेंगे ए ए लिखेंगे क्या लिखेंगे ए बाई टू और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बाई टू कैसे देखो ए प्लस ए यहाँ पे क्या होगा टू ए हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा सिंपल मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ के ओके तो यहाँ पे था अपना थ्री बाई टू तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री बाई टू इज इक्वल टू साइन रहेगा ओके okay. तो यहाँ पे हो जाएगा टू ए बाई टू और ये हो जाएगा साइन ए बाई टू तो आप ध्यान से देखोगे टू टू कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो थ्री बाई टू क्या होता है वन पॉइंट फाइव होता है तो ऐसा भी लिख सकते हैं वन पॉइंट फाइव इज इक्वल टू अब कौन बचा साइन साइन बचा ना साइन ए बाय यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बाय टू ठीक है साइन ए बाई टू तो आ, वन पॉइंट फाइव इज इक्वल टू साइन बाय साइन ए बाई टू तो साइन ये क्या होता है तो so, आपको मैथमेटिक फॉर्मूला पता ही होगा वन पॉइंट फाइव साइन क्या होता है टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू एक सिंपल फार्मूला है साइन टू टीटा साइन थीटा टू साइन थीटा इन कॉस थीटा ठीक है और डिवाइडेड बाई क्या होगा साइन ए बाई टू तो ए बाई टू ए बाई टू क्या सॉरी ए बाई टू ए बाई टू क्या होगा यहाँ पे कैंसर तो so, क्या बाकी बचेगा टू कॉस ए बाई टू टू कॉस ए बाई टू ठीक है पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगी तो टू कॉस ए बाई टू बस तो पर इसको सॉल्व कर देना है क्या होगा वन पॉइंट फाइव यहाँ पे था बाई टू नीचे आ जाएगा और यहाँ पे कौन बाकी बचेगा सिंपल कॉस ए बाई टू बस हम सिंपल ऐसे आपसे फाइंड कर सकते हैं कॉस फाइंड करना है ठीक है वन पॉइंट फाइव बाई टू पॉइंट सेवेंटी फाइव होगा तो कॉस यूनिवर्स कर देंगे ठीक है तो वो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं जो आपको एंगल टेबल देंगे वहाँ पर लॉन्ग टेबल वो सब तो आप उसको ईजी वे में हम फाइंड कर सकते हैं और राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं इट विल बी ट्वेंटी टू वेर शुड अ पर्सन स्टैंड स्ट्रेट फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर की बात की गई है और फोकल लेंथ टू मीटर है ऑन इट्स एक्सिस तो सबसे पहले और मुझे यहाँ पे गिवन है बिकम हाफ ऑफ हिज ओरिजिनल हाइट ओके okay, तो फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी कौन सा फॉर्मूला है यू नो दैट के एम इज इक्वल टू एम इज़ इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू ठीक है तो एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे वन बाई टू की है कॉन्वेक्स है इसके लिए एफ़ क्या होगा पॉजिटिव होगा मतलब टू होगा और एफ कितना होगा यहाँ पे टू माइनस यू तो बस ये सामने जाएगा ये सामने, सामने जाएगा तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे सिंपल ये सामने जाएगा दैट मीन्स टू माइनस यू इज़ इक्वल टू टू इंटू टू क्या हो जाएगा फोर फोर हो जाएगा ए अपना फोर अब टू तो यहाँ पे रहेगा माइनस ये फोर इधर आएगा तो माइन यहाँ पे माइनस फोर इज इक्वल टू ए माइनस यू इधर आएगा तो प्लस यू जाएगा ठीक है तो देन अब क्या होगा के टू माइनस फोर क्या होगा माइनस टू इज इक्वल टू यू तो यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो माइनस टू और वो भी मीटर में आएगी ठीक है जो ये यूनिट होगा उसमें आएगी जो भी यूनिट होगा शायद सेंटीमीटर हो या मीटर है तो ठीक है मीटर में ही आएगी उसको ऐसे सॉल्व करते हैं अब ट्वेंटी थ्री की बात करते हैं एक्चुअली वो आउट ऑफ द सिलेबस है तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इन अर्स एक्सपेरिमेंट ए है, है चैप्टर नंबर एट का क्वेश्चन है ठीक है ओके इन अर्स एक्सपेरिमेंट द रोड्स कनेक्टेड विद एन इंडक्टर कॉयल भी है देखो ये मैं बता देता हूँ इस सिलेबस में अभी आपके सिलेबस में नहीं है बट ठीक है सॉल्व कर देते हैं याद रखना है यहाँ पे रॉड की बात की गई है तो रॉड की बात की गई है मान लो ये रॉड है और ये हमारे पास सिलेंडर है तो रॉड ऑलवेज इंडक्टर के साथ कनेक्ट होता है और स्फीयर जो होगा वो कैपेसिटर के साथ तो सीधा सीधा जो आंसर होगा रॉड विल कनेक्ट विद इंडक्टर तो ये आपका फाइनल आंसर होगा ठीक है तो यहां पे आ जाएगा इंडक्टर देन ट्वेंटी फोर की जब बात करते हैं अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग बैग फिल्ड विद एन एयर फ्रॉम कॉन्केव लेंस ना इफ दिस बैग इज कॉम्पलीटेड इमर्स इन अ वाटर सीधी बातें तो सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है तो यहाँ पे जो आएगा वो कॉन्वेक्स लेंस होगा ठीक है अब ट्वेंटी फाइव की बात करते हैं देखो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव में क्या आया माइक्रोस्कोप इज अ फोकस ऑन एन इंक मार्क जूम ओके अब माइक्रोस्कोप इज अ फोकस ऑन एन इंक मार्क ऑन द टॉप ऑफ अ टेबल इफ़ वी प्लेस अ ग्लास स्लैब ऑफ थ्री सेंटीमीटर थिंक ऑन इट हाउ शुड द माइक्रोस्कोप बी मूड फॉर फोकस इन स्पॉट ए वो वाला फार्मूला है यहाँ पे जो सिंपल फॉर्मूला है शिफ्टिंग uh, वाला शायद यस सो शिफ्टिंग वाला जो फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे शिफ्ट इज इक्वल टू कितना होगा ये होगा अपना एच नॉट और ये होगा वन बाई वन माइनस एन ठीक है तो एच नॉट की वैल्यू की वन होगी है यहाँ पे कितनी है पता नहीं हाइट कितनी है यहाँ पे हाइट की वैल्यू पुट करनी है कितनी होगी थ्री यहाँ पे की वन है एज वेल एज यस थ्री की वन है तो थ्री हो जाएगा और ये वन माइनस वन अपॉन वन अपॉन्ट फाइव है शायद ठीक है बस तो इसको सॉल्व कर तो आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं वो होगा ट्वेंटी एट अ यंग डबल स्लिट सेटअप फॉर इंटरफ्रेंस इज शिफ्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर विद इन अगर एयर की बात की जाए तो वेवलेंथ उसकी एयर की ज़्यादा होगी ठीक है तो एयर की वेवलेंथ ज्यादा होगी और वाटर की कम होगी देन द फ्रिंज विथ तो सीधी बात है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वो डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी ओके सो नेक्स्ट ट्वेंटी सेवन की बात करते हैं गिवन फिगर शो द एनेजमेंट ऑफ टू लेंसेज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑल कर्व सरफेस आर सेम द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ देखो इक्विवेलेंट की बात की गई है तो यहाँ पे सीधी बात है यहाँ पे हम सबसे पहले ये कंसिडर करना है कि यहाँ पे आपको जो गिवन है तो उसका जो एफ होगा ठीक है वो एफ बाई टू हो जाएगा क्योंकि आधा आफ ऑफ है ना तो यहाँ पे फॉर्मूला कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाला यूज़ करेंगे लेंस का जो कॉम्बिने कॉम्बिनेशन है वो क्या है फॉर्मूला वन अपॉन वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू ठीक है तो इस फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे सबसे ओके तो वन अपॉन एफ़ इज इक्वल टू वन अपॉन एफ वन एफ वन क्या होगा दोस्तों तो यहाँ पे होगा एफ़ बाई टू प्लस अगेन एफ़ टू क्या होगा अगेन एफ बाई टू क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे गिवन है वो कुछ ऐसा लेंस है ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ए वन अपॉन एफ हो जाएगा ए ऊपर चला जाएगा तो टू बाई एफ हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा टू बाई एफ हो जाएगा ठीक है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचेगा वन अपॉन एफ़ इज इक्वल टू वन अपॉन एफ इज इक्वल टू टू बाई टू एफ हो जाएगा टू बाई टू एफ यहाँ पे वन अपॉन एफ इज इक्वल टू टू बाई टू एफ आंसर हो जाएगा इसको मैं एफ डैश नाम दे देता हूँ तो ये हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू एफ तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ठीक है तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं तो ये था अपना यहाँ पे सेम पोर्शन राइट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं कि 28 एन इलेक्ट्रॉन इज अक्सेलरेटेड अंदर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 182 वोल्ट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन विल बी तो सॉल्व करना है अभी प्रॉब्लम ओके डन तो इसको कैसे सॉल्व करना है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है यू नो दैट के के इज इक्वल टू ई वी तो क्या क्या होता है हाफ एम बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ई वी क्या फाइंड करना है बी स्क्र तो वी स्क्वेयर फाइन करना है तो यहाँ पे हो जाएगा टू ई वी बाई एम आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो ट्वेंटी नाइन द टोटल एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एग्जाइट स्टेट इज माइनस टू वट इज द पोटेंशियल एनर्जी देखो पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करते हैं तो आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी U U इज यू इज इक्वल टू टू ई ठीक है तो ये होगा टू ए होगा अपना टू इक् वैल्यू क्या है यहाँ पे शायद टू गिवन है देख लेते एक बार अगेन टू ई गिवन है तो ये होगा अपना टू और ये होगा ई तो टू इन टू टू फोर तो माइनस यहाँ पे फोर ई आपका आंसर आना चाहिए ओके okay. तो ये है अपना माइनस फोर ई बी आंसर आपका आएगा थर्टी क्वेश्चन एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद सेम आइनेटिक एनर्जी दर इश ऑफ द डी ब्रोकलिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले याद रखना है कि इसको सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा वो कुछ ऐसा कि लेमडा इज इक्वल टू हमारे पास एक फॉर्मूला रहेगा चैप्टर नंबर इलेवन का है ड्यूअल नेचर तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंदर रूट टू एम ईवी नॉट ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ सबको कॉन्स्टेंटली ले लेता हूँ लेमडा इज लेमडा प्रपोशनल टू एच अपॉन क्या हो जाएगा अंदर रूट एम इस सबको को मैंने कॉन्स्टेंट ले लिया है ठीक है अब हमको कैसे फाइन करना है सिंपल लेमडा इलेक्ट्रॉन के लिए अलग फाइन करना है प्रपोशनल टू एच की इसको भी कॉन्सटेंट लेना है वन ले लिख देना है वन अपॉन यहाँ पे लिख देना है एम ई ठीक है और प्रोटोन के लिए क्या लिखना है प्रोटोन के लिए सेम लिखना है क्या होगा लेमडा पी प्रपोशनल टू वन अपॉन अंदर रूट एम पी तो ये क्वेश्चन हमारे पास वन हो जाएगा एक क्वेश्चन टू हो जाएगा तो आपको वन बाई टू कर देना है तो आपका आंसर हो जाएगा एम पी बाय एम ई अंदर रूट एम पी बाय एम ई ठीक है तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं तो इसको वन बाई टू करना है तो आपका आंसर आ जाएगा अब तो हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन अ फोटो सेंसेटिव मेटेलिक सर्फेस हज अ वर्क फंक्शन फाइव इफ फोटोन ऑफ एनर्जी थ्री फाइव देखो सबसे पहले हमको गिवन है फोटोन की एनर्जी थ्री फाइव और दूसरे केस में यहाँ पे गिवन है वो जो एनर्जी बढ़ती है तो उसकी जो इंक्रीज की कहाँ तक होती है नाइन फाइव तक फ्रॉम थ्री फाइव टू नाइन फाइव तो हम दोनों का डिफरेंस रहना है राइट सो so, हमको बोला गया इफ इफ्टन ऑफ एनर्जी थ्री फाइव ऑन दिस सरफेस द इलेक्ट्रॉन कम आउट विद द मैक्सिमम जब फोटोन की एनर्जी थ्री फाइव होती है ना तब उसकी वेलोसिटी अब मुझे गिवन है सिक्स इंटू टेन पावर सिक्स मीटर पर सेकंड जो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है ये इसकी बात कर रहा हूँ वेन द फोटोन ऑफ एनर्जी इंक्रीज टू नाइन फाइव जब वो थ्री फाइव से नाइन फाइव होगी तो थ्री फाइव की उसकी वेलोसिटी सिक्स ट्वेंटी पावर सिक्स मीटर पर सेकंड है तो नाइन फाइव पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी तो वो पूछा गया बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सिंपल है देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए इन अ सिंपल वे के इज इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन तो एनर्जी कितनी है यहाँ पे यहाँ पे इन पहले के लिए एनर्जी थ्री फाइव माइनस फाइव तो यहाँ पे हो जाएगा टू फाइव तो ये अपना इक्वेशन नंबर वन सेकंड क्या होगा ये होगा के वन अब के टू फाइन करेंगे के टू क्या होगा तो यहां पे होगा नाइन फाइव माइनस फाइव तो नाइन फाइव माइनस फाइव क्या होगा एट फाइव अब आपको यहां पे याद रहना चाहिए क्या याद रहना चाहिए के टू फाइव पे जो आपका यहां पे टू फाइव है टू फाइव पे <coughs> यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि टू फाइव पे हमारी जो एनर्जी रहेगी वो सिक्स इंटू टेन टू दी पावर सिक्स मीटर पर सेकंड का स्क्वायर क्यों स्क्वायर है बिकॉज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर होती है तो एट फाइव पे वो एनर्जी कितनी होगी एट फाइव पे स्क्वायर कितना होगा क्यों स्क्वायर लिया आपको अगेन बोर्ड देता हूँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता है क्या है, है? केक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर तो आप ध्यान से देखोगे तो ए टम यहाँ पे सामने जाएगा मुण, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो टू फाइव इंटू वी स्क्वायर तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सिंपल टू फाइव इंटू वी स्क्वायर तो ये हम लिखने वाले हैं टू फाइव इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू अब ध्यान से देखोगे ये सामने जाएगा एट फाइव इंटू देखो एट फाइव इंटू सिक्स इंटू टेन टू दावर सिक्स इसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा राइट right. अब मुझे फाइंड क्या करना है वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर फाइंड करना है तो फाइव फाइव क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा एट एट तो रहेगा सिक्स का स्क्वायर क्या होगा सिक्स का स्क्वायर क्या होगा थर्टी सिक्स और यहाँ पे हो जाएगा टेन टू दी पावर सिक्स इंटू टू ट्वेल्व हो जाएगा और यहाँ पे नीचे जो आएगा वो टू आ जाएगा राइट right. तो बस इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा ठीक है और नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी टू थर्टी टू में देखो यह क्या करना है तो यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ थर्टी टू में द रेडिएक्टिव ऑफ अ सैंपल आई वन एट अ टाइम टी वन एंड आई टू एट इफ द हाफ लाइफ ऑफ अ सैंपल इज टी द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट हैव डिस इंटीग्रेटेड इन टाइम तो देखो एक सिंपल ये तो फॉर्मूला है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है एक्टिविटी का एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है कि आई आई वन इज इक्वल टू लेमडा एन वन नंबर वन देन आई टू इज इक्वल टू लेमडा एन टू नंबर टू तो वन माइनस टू करो ये होगा अपना आई वन माइनस ये होगा आई टू ठीक है अब हम क्या करेंगे लेमडा कॉमन आ जाएगा वन माइनस टू कर रहा हो होगा एन वन माइनस एन टू मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे एन वन माइनस एन टू फाइन करना है ठीक है तो एन वन माइनस एन टू फाइन करेंगे तो लेमडा फाइन मतलब यहाँ पे यहाँ पे सिंपल होगा एन वन माइनस एन टू इज इक्वल टू आई वन माइनस आई टू बाई लेमडा अब आपको ये भी पता है वन अपॉन लेमडा क्या होता है तो ये होगा अपना आई वन माइनस आई टू वन अपॉन लेमडा क्या होता है टाव होता है मिन लाइफ होता है तो आपका ये आंसर आना चाहिए ठीक है तो आपका फाइनल आंसर होगा जो फाइंड करना है हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इसकी वजह से इज इक्वल टू एन वन माइनस एन टू हो जाएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्टी थ्री थर्टी थ्री में क्या होगा के अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल द रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट तो सीधी बात है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो

ई इज इक्वल टू एच एफ एफ फाइन करना है तो ई e बायच हो जाएगा तो ई e की वैल्यू क्यून है हंड्रेड इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेंट दी पावर माइनस नाइनटीन डिवाइडेड बाई एच एच क्या होता है प्लांक कॉन्स्टेंट जो आपको ब्रैकेट में भी क्यून है तो फिर उसका आंसर आ सकता है ठीक है तो थर्टी फाइव की बात करते हैं द रिवर्स बायस अप्लाई टू अ पी एन जंक्शन ड्राइवर देखो एक होता है फॉरवर्ड एक होता है रिवर्स तो फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो उसका जो डेप्लेशन लेयर जो है वो डिक्रीज होता है ठीक है जबकि रिवर्स uh, वायर के अंदर डेप्लेशन लेयर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा जो इंक्रीज वाला आंसर यहाँ पे आएगा राइट तो ये आपको याद रखना है कि फॉरवर्ड के अंदर हम पॉजिटिव मतलब पी को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे एन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे प्लस माइनस की वजह से वो डेप्लेशन लेयर डिक्रीज होगा ठीक है ये फॉरवर्ड की बात है तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थर्टी सिक्स की जब हम बात करते हैं तो थर्टी सिक्स वो आपके सिलेबस में फिलहाल निकाल दिया है ओल्ड बुक में के अंदर था इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आया और ये दो हज़ार ग्यारह का पेपर है इसलिए थर्टी सेवन भी आपके सिलेबस में नहीं है तो ये आपको करना नहीं है अगेन फिर हम बात करते थर्टी एट भी आपको नहीं करना है तो ये भी है, पुराना है थर्टी नाइन या सिलेबस में है थर्टी नाइन में क्या होगा यहाँ पर नॉर्थ गेट की बात की जा गई है तो नॉर्थ गेट की जब हम बात करते हैं देखो तो एक होता है और गेट और गेट में क्या होता है और गेट जो होता है आपको याद रखना है जो इनपुट होगा ए और यहाँ पे प्लस बी तो ये होगा बुलियन समीकरण ए प्लस बी बट अगर इसको नॉर बनाना है नॉर तो ये क्या हो जाएगा तो यहाँ पे ए प्लस बी राइट और बार हो जाएगा ठीक है अब इसका जो आ, ए है और ए बी है मान लो ये ए, ए है और ये हमारा बी है तो और गेट के अंदर सिंपल जो मेथड याद रखनी है आपको कौ कौ सरफेस ऐसे बट नॉर की बात की गई तो नॉर में आप पे बबल आ जाएगा ख़त्म तो आपका आंसर आएगा आई होप कि आपको इसमें समझ में मज़ा आया होगा और बहुत इजी पेपर है और यहाँ पे मे भी आंसर की भी गिवन है मुझे पता नहीं था अभी जिस पता देखा तो तो आंसर की भी आपको गिवन है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो और इसको करके जाओ पापरवेशर के बहुत सारे अगर आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन रिपीट होने को मिलेंगे थैंक यू सो मच प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल